साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे, आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है।